एक शक्ति हर मनुष्य में होती है, जिसे अंग्रेजी में सर्पेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य सातवें चक्र सहस्त्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। हमारी प्राण शक्ति के केंद्र कुंडलिनी को अंग्रेजी भाषा में सर्पेंट पावर कहते हैं। पहले विज्ञान भी इसको नहीं मानता था क्योंकि वे खुद इसके अनुभवी नहीं थे, पर आज ऊर्जा चक्रों की ऊर्जा वे देख चुके हैं तो वे आगे खोज कर रहे हैं। आज वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि कुछ तो विशेष है जो दिखाई नहीं देता और जिसे अभी प्रमाणित किया जाना बाकी है, पर वह सबसे विशेष है और उसकी शक्ति असीमित है। कुछ लोगों को लगता है कि कुंडलिनी शक्ति जादू है, पर यह हमारे शरीर की ही ऊर्जा है जो सभी ऊर्जा चक्रों पर पूर्ण नियंत्रण के बाद जागती है। वास्तव में कुंडलिनी पूरी तरह हमेशा सोई नहीं रहती, कुछ न कुछ जागरण इसमें रहता ही है। हम जिसे जागरण कहते हैं कुंडलिनी का, वह वास्तव में शक्ति का विस्फोट होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपको एक पावर हाउस दिया गया है जिससे बहुत थोड़ी तरंगे, बहुत थोड़ी ऊर्जा हमेशा निकल रही है अलग अलग चक्रों के माध्यम से, किंतु उसकी 99% ऊर्जा बंद रखी हुई है। कुंडलिनी जागरण यह है कि उस पावर हाउस की ऊर्जा को खोल देना, शरीर में फैला देना और उससे लाभ उठाना। लेकिन जब आपका शरीर जो दिया हुआ है वह पूरी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा इकट्ठा, इसलिए पहले अपनी साइकिट को, अपने तारों की व्यवस्था को, अपने केंद्रों को मजबूत करना पड़ता है। उसके बाद इसका जागरण होने पर वो लाभप्रद होता है। बिना तैयारी के कभी कभी किसी किसी में जाग जाता है जिससे उन्हें दिक्कतें आती हैं, कभी कभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारे पूर्वज इस कुंडलिनी को जानते, तभी ये अधिकतर लोगों को सुना सुना लगता है। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के सबसे नीचे के हिस्से में, नाभि के नीचे मूलाधार में सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी से ही सभी नाड़ियों का संचालन होता है। योग में मानव शरीर के भीतर 7 चक्रों का वर्णन किया गया है। कुंडलिनी को जब ध्यान अथवा तंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है तब यही शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए शरीर के सभी चक्रों को क्रियाशील करती है। योग अभ्यास से शरीर के सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर इसे सुषुम्ना में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्त्रार तक ले जाया जाता है। यह कुंडलिनी हमारे शरीर, भाव और विचार को प्रभावित करती है। शरीर में मूलतः 7 चक्र होते हैं, आप जैसा जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनार, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। इसके साथ ही शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इरा यानी कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए ही सभी तरह के प्राणायाम किए जाते हैं। इनके शुद्ध होने से शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां भी शुद्ध होने लगती हैं। कुंडलिनी जागरण में नाड़ियों का शुद्ध और पुष्ट होना आवश्यक है। स्वर विज्ञान में इसका उल्लेख मिलता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सर के सर्वोच्च स्थान सहस्त्रार तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही स्थित होती है। इरा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन 3 नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है, इसलिए मूलाधार को मुख्य त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। मेरु राज्य में प्राणों के प्रवाह के लिए सूक्ष्म नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसमें अनेक केंद्र है जिसे चक्र अथवा पद्म कहा जाता है।
कई नाड़ियों के एक स्थान पर मिलने से इन चक्रों अथवा केंद्रों का निर्माण होता है। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो उस चक्र में विशेष शक्ति का संचार हो उठता है, मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया है और उस चक्र की गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती है। यही सिद्धियों के रूप में सामने आती है। कुंडलिनी योग एक ऐसी योग क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जगाकर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी के साथ सात चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। यह भूत और भविष्य का जानकार बन जाता है। वह शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। वह अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किसी के भी दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है। सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती। हम आपको मात्र मूलाधार चक्र के जागरण से होने वाला लाभ का उदाहरण देकर समझा देते हैं कि कुंडलिनी क्या कर सकती है। जब मात्र एक चक्र मूलाधार के जागरण पर इतने लाभ है तो सोचिए पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर मनुष्य क्या बन जाता होगा। इससे पहले हम आपको ये चीज और बताना चाहेंगे। लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जो रीढ़ की हड्डी गई है, वहाँ नसें गई हुई है, उसमें कहीं है। वास्तव में इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा चक्र है और यह सूक्ष्म शरीर में होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसका भौतिक प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप कहेंगे कि भौतिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप जब मृत होते हैं तो आत्मा आपकी मनुष्य रूप में दिखती है। उसी आत्मा रूपी उसी तरह होता है आपका सूक्ष्म शरीर, जिसमें यह ऊर्जा केंद्र होते हैं और यह आपके मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर की शक्ति जितनी बढ़ा सकते हैं कि आप महामानव बन जाते हैं। अब हम आपको मूलाधार के जागरण पर लाभ बता देते हैं और सोचिए कि पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर फिर क्या हो जाएगा। जब मूलाधार चक्र का जागरण होता है तब व्यक्ति को अनायास ही क्रमशः बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह योगी देवताओं द्वारा पूजित होता है तथा अरिमादि सिद्धियां प्राप्त कर वह त्रिलोक में इच्छा पूर्वक विचरण कर सकता है। वह मेघावी योगी महावाक्य का श्रवण करते ही आत्मा में स्थिर होकर सर्वदा क्रीड़ा करता है। मूलाधार चक्र का ध्यान करने वाला साधक जादुई सिद्धि प्राप्त कर अत्यंत तेजस्वी बनता है। उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा सरलता उसका स्वभाव बन जाता है। वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता त्रिकालदर्शी हो जाता है तथा सभी वस्तुओं के कारण को जान लेता है। जो शास्त्र कभी सुने न हो, पढ़े न हो, उनके रहस्यों का भी ज्ञान होने से उन पर व्याख्यान करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। मानो ऐसे योगी के मुख में देवी सरस्वती निवास करती है। जप करने मात्र से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है। उसे अनुपम संकल्प सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब योगी मूलाधार चक्र में स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करता है, उसी क्षण उसके पापों का समूह नष्ट हो जाता है। किसी भी वस्तु की इच्छा करने मात्र से उसे वह प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य आत्मदेव को छोड़कर बाह्य देवों की पूजा करते हैं, वह हाथ में रखे हुए फल को छोड़कर अन्य फलों के लिए इधर उधर भटकते हैं। अतः शुभ सज्जनों को आलस्य छोड़कर शरीरस्थ शिव का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान परम पूजा है, परम तप है, परम पुरुषार्थ है। मूलाधार के अभ्यास से 6 माह में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवेश करती है। ऐसा साधक मनोजय करके परम शांति का अनुभव करता है। उसके दोनों लोक सुधर संवर जाते हैं। योग मार्ग द्वारा सम्यक प्राणायाम, आसन मुद्राओं और एक निष्ठ ध्यान से 6 माह से 1 साल में इसका जागरण होता है, जबकि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो, योग गुरु का मार्गदर्शन हो और शरीर योग और प्राणायाम से शुद्ध हो चुका हो। शुरुआती चरणों और शरीर शुद्धता तथा योग्य बनने में ही अधिक समय लगता है, जिसमें वर्षों लगते हैं। मूलाधार चक्र जागृत करना सबसे कठिन होता है। इसके जागृत और ऊर्ध्वमुखी होते ही अन्य चक्र आसानी से क्रियाशील हो सकते हैं, किंतु यह जागृत ही जल्दी नहीं होता। अगर हो भी गया तो सबसे पहले इसका प्रभाव इतना बढ़ता है कि व्यक्ति के पतित होने, भ्रष्ट होने की अधिक संभावना होती है। तंत्र इसीलिए पृथ्वी का सबसे कठिन साधना मार्ग है।
कि यह सबसे पहले इस मूलाधार के महिषासुर को ही नियंत्रित करता है, जिसके बाद के देवता स्वतः अनुकूल होने लगते हैं। इसे ही तंत्र जगाकर नियंत्रित करता है, जबकि योग मार्ग इस पर ध्यान लगाकर इसे क्रियाशील करता है। यह सभी भौतिक लौकिक तामसिक सिद्धियों का केंद्र है, जिस पर नियंत्रण से भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, यक्षिणी, अप्सरा जैसी समस्त शक्तियां नियंत्रण में आने लगती हैं। इनकी साधना विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु थोड़े प्रयास से, थोड़ी तकनीकियों का प्रयोग से, थोड़े से साधना से इन शक्तियों की सिद्धि होने लगती है। यह कुछ ऐसा ही होता है जैसे अतिथि दरवाजे पर आए जिसकी अवभगत करके घर में बैठाना होता है। मूलाधार के जागरण से व्यक्ति भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच बाधा हटा सकता है, भूत भविष्य जान सकता है, किसी के रोग कष्ट दूर कर सकता है, नकारात्मकता हटा सकता है, शरीर का ऊर्जा प्रवाह सुधार सकता है, उसके आशीर्वाद और श्राप फलित होने लगते हैं। मूलाधार के जागृत होने का अर्थ है भगवती काली की शक्तियों का जागना, क्योंकि मूलाधार के केंद्र में ही काली का डाकिनी स्वरूप होता है और यह स्वरूप बेहद उग्र है। संपूर्ण मूलाधार में काली की ही शक्तियां स्थित होती हैं, अतः चाहे योगी हो अथवा तांत्रिक, मूलाधार जागरण पर उग्रता, कामसिकता, भौतिकता, विलासिता, कामुकता के भाव एक बार उभरते जरूर है, और इन्हें ही नियंत्रित रखते हुए सतत साधना रख कुंडलिनी शक्ति को स्वाधिष्ठान तक उठाया जाता है, जहाँ यह सब महिषासुर वाले भावों का वहाँ दुर्गा संहार कर देती है और व्यक्ति इन भावों पर विजय पा लेता है। मूलाधार के जागरण से शरीर का आभा मंडल अर्थात औरा बदल जाती है, शरीर तेज युक्त हो जाता है, आंखों का तेज ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सहन नहीं कर पाता। यहाँ की शक्तियाँ मस्तिष्क के तरंगों के साथ क्रिया करते हुए व्यक्ति के सोचने की दिशा से उस लक्ष्य तक पहुंच क्रिया करने लगती है जहां व्यक्ति सोच रहा होता है। इससे व्यक्ति के कोई कार्य करने के पहले ही सफलता की दिशा में कार्य होने का वातावरण बनने लगता है। व्यक्ति किसी को भी थोड़े एकाग्रता के साथ कोई भी संदेश दे सकता है और वह व्यक्ति इसे स्वप्न अथवा अचेतन के विचार के रूप में सुन लेगा। मूलाधार चक्र जागृत व्यक्ति जहाँ भी जाता है एक दबंग और उग्र व्यक्ति का उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। भले वह उग्रता न दिखाए किंतु अनजाना भय लोगों में उत्पन्न होता ही है। ऐसे व्यक्ति पर की गई कोई तांत्रिक क्रिया प्रभावहीन हो जाती है अथवा पलट कर करने वाले का ही नुकसान करती है। व्यक्ति का साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास, कर्मठता, क्षमता, प्रभावशालीता बहुत बढ़ जाती है, जैसे उसकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है तथा उसके आय के अनेक स्रोत अपने आप बनने लगते हैं। वह ऐसा हो जाता है कि लोग उससे मदद मांगते हैं और उसे किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। समृद्धि, संपत्ति, भौतिक सुखों से व्यक्ति परिपूर्ण तो होता ही है, अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें होती है। इसी प्रकार ऐसे हजारों लाभ हैं जो मूलाधार के जागरण पर प्राप्त होती हैं। सोचिए, जब मूलाधार चक्र के जागरण पर इतनी शक्तियां और लाभ प्राप्त होते हैं तो पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर क्या होता होगा। यदि आप भौतिक जीवन में सभी सुख पाते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कुंडलिनी जागरण का प्रयास करें, गुरु तलाश करें और साधना में भी थोड़ा समय दें तो आपका बहुविध कल्याण होगा। दो मार्ग है तंत्र और योग। तंत्र मार्ग में समय कम लगता है और योग मार्ग में थोड़ा ज्यादा, किंतु तंत्र मार्ग में खतरे बहुत हैं। यह सबके लिए उपयुक्त भी नहीं योग मार्ग में, सबके लिए उपयुक्त है योग मार्ग और सुविधाजनक भी। वैसे कुंडलिनी जागरण का मार्ग कोई भी हो वह होता कठिन ही है, क्योंकि वह धारा के विपरीत चलते हुए एक पावर हाउस को, एक बड़ी ऊर्जा को खोल देना है और उस पर नियंत्रण हमेशा से कठिन रहता है, क्योंकि सामान्य रूप से आपका शरीर जो दिया गया है वह छोटी ऊर्जा नियंत्रित करने के लिए, जबकि आपके शरीर के अंदर ही बड़ी ऊर्जा का केंद्र भी दिया गया है और यह क्षमता है कि आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाकर, अपनी योग्यता को बढ़ाकर, सर्किट को बढ़ाकर, सुदृढ़ करके उस ऊर्जा को खोल कर उसका उपयोग करते हुए इस
ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान सकते हैं, मानव से महामानव बन सकते हैं और इस जीवन में समस्त भौतिक सुख भी पाते हो। कुछ न कुछ जागरण इसमें रहता ही है। हम जिसे जागरण कहते हैं कुंडलिनी का, वह वास्तव में शक्ति का विस्फोट होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपको एक पावर हाउस दिया गया है जिससे बहुत थोड़ी तरंगे, बहुत थोड़ी ऊर्जा हमेशा निकल रही है अलग अलग चक्रों के माध्यम से, किंतु उसकी 99% ऊर्जा बंद रखी हुई है। कुंडलिनी जागरण यह है कि उस पावर हाउस की ऊर्जा को खोल देना, शरीर में फैला देना और उससे लाभ उठाना। लेकिन जब आपका शरीर जो दिया हुआ है वह पूरी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा इकट्ठा, इसलिए पहले अपनी साइकिट को, अपने तारों की व्यवस्था को, अपने केंद्रों को मजबूत करना पड़ता है। उसके बाद इसका जागरण होने पर वो लाभप्रद होता है। बिना तैयारी के कभी कभी किसी किसी में जाग जाता है जिससे उन्हें दिक्कतें आती हैं, कभी कभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारे पूर्वज इस कुंडलिनी को जानते थे, तभी ये अधिकतर लोगों को सुना सुना लगता है। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के सबसे नीचे के हिस्से में, नाभि के नीचे मूलाधार में सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी से ही सभी नाड़ियों का संचालन होता है। योग में मानव शरीर के भीतर 7 चक्रों का वर्णन किया गया है। कुंडलिनी को जब ध्यान अथवा तंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है, तब यही शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए शरीर के सभी चक्रों को क्रियाशील करती है। योग अभ्यास से शरीर के सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर इसे सुषुम्ना में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए शास्त्रार्थ तक ले जाया जाता है। यह कुंडलिनी हमारे शरीर, भाव और विचार को प्रभावित करती है। शरीर में मूलतः 7 चक्र होते हैं, आप जैसा जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रार्थ। इसके साथ ही शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इरा यानी कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए भी सभी तरह के प्राणायाम किए जाते हैं। इनके शुद्ध होने से शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां भी शुद्ध होने लगती हैं। कुंडलिनी जागरण में नाड़ियों का शुद्ध और पुष्ट होना आवश्यक है। स्वर विज्ञान में इसका उल्लेख मिलता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सर के सर्वोच्च स्थान शास्त्रार्थ तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही स्थित होते हैं। इरा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन 3 नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है। इसी मूलाधार को मुख्य त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। मेरु रज्जु में प्राणों के प्रवाह के लिए सूक्ष्म नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसमें अनेक केंद्र है जिसे चक्र अथवा पद्म कहा जाता है। कई नाड़ियों के एक स्थान पर मिलने से इन चक्रों अथवा केंद्रों का निर्माण होता है। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो उस चक्र में विशेष शक्ति का संचार हो उठता है, मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया है और उस चक्र की गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती है। यही सिद्धियों के रूप में सामने आती है। कुंडलिनी योग एक ऐसी योग क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जगाकर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी के साथ 7 चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। यह भूत और भविष्य का जानकार बन जाता है। वह शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। वह अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किसी के भी दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है। सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती। हम आपको मात्र मूलाधार चक्र के जागरण से होने वाला लाभ का उदाहरण देकर समझा देते हैं कि कुंडलिनी क्या कर सकती है। जब मात्र 1 चक्र मूलाधार के जागरण पर इतने लाभ है तो सोचिए पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर मनुष्य क्या बन जाता होगा। इससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जो रीढ़ की हड्डी गई है, वहाँ नसें गई हुई है, उसमें कहीं वास्तव में इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ
ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा चक्र है, और यह सूक्ष्म शरीर में होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसका भौतिक प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप कहेंगे कि भौतिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप जब मृत होते हैं तो आत्मा आपकी मनुष्य रूप में दिखती है, उसी आत्मा रूपी उसी तरह होता है आपका सूक्ष्म शरीर, जिसमें यह ऊर्जा केंद्र होते हैं, और यह आपके मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर की शक्ति इतनी बढ़ा सकते हैं कि आप महामानव बन जाते हैं। अब हम आपको मूलाधार की जागरण पर लाभ बता देते हैं, और सोचिए कि पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर फिर क्या हो जाएगा। जब मूलाधार चक्र का जागरण होता है तब व्यक्ति को अनायास ही क्रमशः बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह योगी देवताओं द्वारा पूजित होता है तथा अरिमादि सिद्धियां प्राप्त कर वह त्रिलोक में इच्छा पूर्वक विचरण कर सकता है। वह मेघावी योगी महावाक्य का श्रवण करते ही आत्मा में स्थिर होकर सर्वदा क्रीड़ा करता है। मूलाधार चक्र का ध्यान करने वाला साधक जादुई सिद्धि प्राप्त कर अत्यंत तेजस्वी बनता है। उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा सरलता उसका स्वभाव बन जाता है। वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता त्रिकालदर्शी हो जाता है तथा सभी वस्तुओं के कारण को जान लेता है। जो शास्त्र कभी सुने न हो, पढ़े न हो, उनके रहस्यों का भी ज्ञान होने से उन पर व्याख्यान करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। मानो ऐसे योगी के मुख में देवी सरस्वती निवास करती है। जप करने मात्र से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है, उसे अनुपम संकल्प सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब योगी मूलाधार चक्र में स्थित स्वयं भू लिंग का ध्यान करता है, उसी क्षण उसके पापों का समूह नष्ट हो जाता है। किसी भी वस्तु की इच्छा करने मात्र से उसे वह प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य आत्मदेव को छोड़कर बाह्य देवों की पूजा करते हैं, वह हाथ में रखे हुए फल को छोड़कर अन्य फलों के लिए इधर उधर भटकते हैं। आकाशों के सज्जनों को आलस्य छोड़कर शरीरस्थ शिव का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान परम पूजा है, परम तप है, परम पुरुषार्थ है। मूलाधार के अभ्यास से 6 माह में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवेश करती है। ऐसा साधक मनोजय करके परम शांति का अनुभव करता है। उसके दोनों लोक सुधर संवर जाते हैं। योग मार्ग द्वारा सम्यक प्राणायाम, आसन, मुद्राओं और एकनिष्ठ ध्यान से 6 माह से 1 साल में इसका जागरण होता है, जबकि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो, योग गुरु का मार्गदर्शन हो और शरीर योग और प्राणायाम से शुद्ध हो चुका हो। शुरुआती चरणों और शरीर शुद्धता तथा योग्य बनने में ही अधिक समय लगता है, जिसमें वर्षों लगते हैं। मूलाधार चक्र जागृत करना सबसे कठिन होता है। इसके जागृत और ऊर्ध्वमुखी होते ही अन्य चक्र आसानी से क्रियाशील हो सकते हैं, किंतु यह जागृत ही जल्दी नहीं होता। अगर हो भी गया तो सबसे पहले इसका प्रभाव इतना बढ़ता है कि व्यक्ति के पतित होने, भ्रष्ट होने किसी से अधिक संभावना होती है। तंत्र इसीलिए पृथ्वी का सबसे कठिन साधना मार्ग है कि यह सबसे पहले इस मूलाधार के महिषासुर को ही नियंत्रित करता है, जिसके बाद के देवता स्वतः अनुकूल होने लगते हैं। इसे ही तंत्र जगाकर नियंत्रित करता है, जबकि योग मार्ग इस पर ध्यान लगाकर इसे क्रियाशील करता है। यह सभी भौतिक लौकिक तामसिक सिद्धियों का केंद्र है, जिस पर नियंत्रण से भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, यक्षिणी, अप्सरा जैसी समस्त शक्तियां नियंत्रण में आने लगती हैं। इनकी साधना विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु थोड़े प्रयास से, थोड़ी तकनीकियों का प्रयोग से, थोड़े से साधना से इन शक्तियों की सिद्धि होने लगती है। यह कुछ ऐसा ही होता है जैसे अतिथि दरवाजे पर आए जिसकी अवभगत करके घर में बैठाना होता है। मूलाधार के जागरण से व्यक्ति भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच बाधा हटा सकता है, भूत भविष्य जान सकता है, किसी के रोग
कष्ट दूर कर सकता है, नकारात्मकता हटा सकता है, शरीर का ऊर्जा प्रवाह सुधार सकता है, उसके आशीर्वाद और श्राप फलित होने लगते हैं। मूलाधार के जागृत होने का अर्थ है भगवती काली की शक्तियों का जागना, क्योंकि मूलाधार के केंद्र में ही काली का डाकिनी स्वरूप होता है और यह स्वरूप बेहद उग्र है। संपूर्ण मूलाधार में काली की ही शक्तियाँ स्थित होती हैं। अतः चाहे योगी हो अथवा तांत्रिक, मूलाधार जागरण पर उग्रता, कामसिकता, भौतिकता, विलासिता, कामुकता के भाव एक बार उभरते जरूर हैं। और इन्हें ही नियंत्रित रखते हुए सतत साधना रत कुंडलिनी शक्ति को स्वाधिष्ठान तक उठाया जाता है, जहाँ यह सब महिषासुर वाले भावों का वहाँ दुर्गा संहार कर देती है और व्यक्ति इन भावों पर विजय पा लेता है। मूलाधार के जागरण से शरीर का आभा मंडल अर्थात औरा बदल जाती है, शरीर तेज युक्त हो जाता है, आंखों का तेज ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सहन नहीं कर पाता। यहाँ की शक्तियाँ मस्तिष्क के तरंगों के साथ क्रिया करते हुए व्यक्ति के सोचने की दिशा से उस लक्ष्य तक पहुंच क्रिया करने लगती है जहां व्यक्ति सोच रहा होता है। इससे व्यक्ति के कोई कार्य करने के पहले ही सफलता की दिशा में कार्य होने का वातावरण बनने लगता है। व्यक्ति किसी को भी थोड़े एकाग्रता के साथ कोई भी संदेश दे सकता है और वह व्यक्ति इसे स्वप्न अथवा अचेतन के विचार के रूप में सुन लेगा। मूलाधार चक्र जागृत व्यक्ति जहाँ भी जाता है एक दबंग और उग्र व्यक्ति का उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। भले वह उग्रता न दिखाए किंतु अनजाना भय लोगों में उत्पन्न होता ही है। ऐसे व्यक्ति पर की गई कोई तांत्रिक क्रिया प्रभावहीन हो जाती है अथवा पलट कर करने वाले का ही नुकसान करती है। व्यक्ति का साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास, कर्मठ का, क्षमता, प्रभावशालिता बहुत बढ़ जाती है, जिससे उसकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है तथा उसके आय के अनेक स्रोत अपने आप बनने लगते हैं। वह ऐसा हो जाता है कि लोग उससे मदद मांगते हैं और उसे किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। समृद्धि, संपत्ति, भौतिक सुखों से व्यक्ति परिपूर्ण तो होता ही है, अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें होती है। इसी प्रकार ऐसे हजारों लाभ हैं जो मूलाधार के जागरण पर प्राप्त होती है। सोचिए जब मूलाधार चक्र के जागरण पर इतनी शक्तियाँ और लाभ प्राप्त होते हैं तो पूर्ण कुंडलिनी जागरण पर क्या होता होगा। यदि आप भौतिक जीवन में सभी सुख पाते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कुंडलिनी जागरण का प्रयास करें, गुरु तलाश करें और साधना में भी थोड़ा समय दें तो आपका बहुविध कल्याण होगा। दो मार्ग है तंत्र और योग। तंत्र मार्ग में समय कम लगता है और योग मार्ग में थोड़ा ज्यादा, किंतु तंत्र मार्ग में खतरे बहुत हैं। यह सबके लिए उपयुक्त भी नहीं। योग मार्ग में सबके लिए उपयुक्त है योग मार्ग और सुविधाजनक भी। वैसे कुंडलिनी जागरण का मार्ग कोई भी हो वह होता कठिन ही है, क्योंकि वह धारा के विपरीत चलते हुए एक पावर हाउस को, एक बड़ी ऊर्जा को खोल देना है और उस पर नियंत्रण हमेशा से कठिन रहता है, क्योंकि सामान्य रूप से आपका शरीर जो दिया गया है वह छोटी ऊर्जा नियंत्रित करने के लिए, जबकि आपके शरीर के अंदर ही बड़ी ऊर्जा का केंद्र भी दिया गया है और यह क्षमता है कि आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाकर, अपनी योग्यता को बढ़ाकर, सर्किट को बढ़ाकर, सुदृढ़ करके उस ऊर्जा को खोल कर उसका उपयोग करते हुए इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान सकते हैं, मानव से महामानव बन सकते हैं और इस जीवन में समस्त भौतिक सुख भी पाते हुए अंततः मुक्ति और